संपूर्ण भारत में साक्षरता अभियान का एक महत्वपूर्ण योगदान साक्षरता स्वयं सहायता समूह का संगठन रहा है। आंध्र प्रदेश में ग्रामीण महिला एवं बाल विकास के तहत द्वाकरा समूह गांव-गांव में फैले थे, परंतु निरक्षर होने के कारण समूह की महिलाएं न तो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को ठीक से समझ पाती थी और न ही इनसे आर्थिक लाभ उठा पाती थी। आंध्र प्रदेश में चलाए जा रहे सतत शिक्षा कार्यक्रम ने द्वाकरा समूहों को भागीदार बनाया, लोगों को साक्षर बनाकर उनमें जागरूकता पैदा करने की एक महत्वपूर्ण शर्त उन्हें यह अनुभव कराना है कि शिक्षित होने से वे अपनी गरीबी और परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। अब हम लोगों में बहुत बदलाव आ गया है। शिक्षा के कारण हम लोग सार्वजनिक रूप से दूसरों को अपनी बातें कह सकते हैं। पहले हम चुपचाप पीछे खड़े रहने वालों में थे, अब हम अखबार पढ़ते हैं और हम लोगों में साहस आ गया है कि हम अपनी समस्याओं पर बात कर सकें। इस कार्यक्रम का मुख्य जोर पढ़ने और पढ़ाने की पद्धति को सरल बनाने पर है। सबसे पहले तेलुगु वर्णमाला से उन अक्षरों को हटा दिया गया जिनका इस्तेमाल बहुत कम होता था। निरक्षरों के लिए 52 अक्षरों में से केवल 29 अक्षर रखे गए। कार्यक्रम की अवधि को 9 माह से घटाकर 90 दिन कर दिया गया। पठन पाठन सामग्री की लागत में भारी कटौती की गई। छात्रों को पहले वाक्य और फिर शब्द सिखाए गए। उन शब्दों पर जोर दिया गया जो उनके रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए थे। नव साक्षरों की कक्षा के प्रति रुचि बनाए रखने के लिए परंपरागत उपायों का इस्तेमाल किया गया। इनको अक्षर बंधन बांधे, कुमकुम का टीका लगाकर इनको कक्षाओं में आने के लिए आमंत्रित किया। नव साक्षरों को आर्थिक लाभ हो इस उद्देश्य से इन केंद्रों पर व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती है। इनमें पढ़ने की आदत बनाए रखने के लिए पुस्तकालय भी चलाए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के सतत शिक्षा कार्यक्रम की एक अन्य विशेषता कंप्यूटर आधारित शिक्षा है। कंप्यूटर समर्थ केंद्रों को शीघ्र ही इंटरनेट केंद्रों का रूप दिया जाएगा। वास्तव में गांव-गांव में फैले ये साक्षरता केंद्र सूचना केंद्रों में परिवर्तित हो गए हैं। नव साक्षरों के उत्साह को बनाए रखने के लिए और समाज को जोड़ने के लिए मशाल जुलूस निकाले जाते हैं, जिसमें मंडल तथा पंचायत के अधिकारी भी भाग लेते हैं। स्थानीय गीत संगीत से देश के पूर्वी तट पर स्थित उड़ीसा का वातावरण गूंज रहा है। यहाँ आदिवासी महिलाओं के विकास के लिए तथा सदियों से चले आ रहे शोषण से छुटकारा पाने के लिए महिला साक्षरता कार्यक्रम कोरापुट, बलांगीर, कालाहांडी सहित अन्य जिलों में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में स्वयंसेवी संस्थाओं को सक्रिय रूप से जोड़ा गया है। 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षरों की पहचान की गई, उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया और फिर उनकी जरूरतों पर आधारित पाठ्यक्रम तैयार किया गया। भाषा को सरल रखा गया। महिलाओं के दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले शब्दों का प्राइमर में अधिक प्रयोग किया गया है, ताकि शिक्षा को रुचिपूर्ण बनाया जा सके। साक्षरता कार्यक्रम को पंचायतों की गतिविधियों से जोड़ा गया है।
विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की सूचना यहाँ दी जाती है। नव साक्षरों को स्थानीय साधनों पर आधारित व्यवसायों की जानकारी दी जाती है, ताकि आर्थिक रूप से स्वावलंबी होकर एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। हम खुद अपना रोजगार करते हैं और अब साहूकार के पास नहीं जाते हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में साक्षरता कार्यक्रम ने स्वयं सहायता समूहों को नया रूप दिया है। महिलाएं सशक्त हुई हैं और उनमें आत्मविश्वास आया है। साक्षरता कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब संपूर्ण साक्षरता का महान लक्ष्य पूरा किया जा सकेगा।